हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि ये एक व्लॉग है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आज जो ये सैटरडे है विच इज कंसिडर्ड अ रेस्ट डे, तो मैं इस रेस्ट डे को कैसे बेस्ट डे बनाती हूँ। देखते रहिए आप मेरे साथ। आज मुझे बहुत सारे काम है, मुझे एक हेयर कट भी करवाना है और मुझे रील वीडियो भी बनानी है, तो मैं वो सब प्रोसेस आपको दिखाने वाली हूँ। एंड और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आज करेंगे हम, तो अभी देखते हैं क्या होता है। जो रील वीडियो मुझे बनानी है, आई थिंक अब तक मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आ चुका होगा, तो बहुत ही फनी सा सोचा है मैंने। आप आई होप सबको अच्छा लगे। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है देन प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने। और अगर आपको रील अच्छी लगे देन प्लीज़ उसे लाइक शेयर करना। ऑल्सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30, सो अभी तो मुझे बहुत भूख लग रही है। देखते हैं खाने में क्या है, क्योंकि पहले पेट पूजा और बाकी काम दूजा, फिर देखते हैं। तो चलिए गाइस, आई सी यू। सो गाइस, खाने में है दम आलू, राइस, थोड़ा प्याज और ये है फिश। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो ठीक है, नहीं तो आई एम रियली सॉरी। तो मैं खा लेती हूँ अब। तो अब हम निकलने वाले हैं। निकलने से पहले दिखा देती हूँ बैग में क्या पैक करके लेके जा रहे हैं। तो ये है हील्स, बिकॉज रील बनाने के लिए हील्स तो पहनने ही पड़ेंगे। ये है एक बुक जो कि मुझे रील का प्रॉप है। मैं बता दूँगी आपको क्या है, क्या आप रील में देख सकते हैं। देन ये है ट्राईपॉड और ये है वॉलेट, क्योंकि वॉलेट के बिना कुछ नहीं ज़िंदगी में। एंड दैट्स इट फॉर द बैग जो पैक करके लेके जा। हाय गाइस, तो फिर ये है मेरा OOTD। डोंट थिंक कि मैंने इतना ज़्यादा किया है ओवर द टॉप, दिस इज़ जस्ट फॉर द रील। एंड वैसे तो बाल कटवाने ही जाना है, प्लीज़ इग्नोर द मेस बिहाइंड, प्लीज़ इग्नोर दैट। एंड दिस इज़ द कंप्लीट आउटफिट, जूते नहीं पहने ऑफकोर्स अभी तक। एंड दैट्स इट, सो आई विल सी यू वंस वी रीच देयर, बाय। मेरा हेयर कट हो चुका है और यहाँ पे मेरी बहन है मेरे साथ एंड वी आर जस्ट क्लिकिंग द रील्स। सो अभी रील वाला तो हो चुका है, आप इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना। अभी हम ऑटो बुक करके घर जाएंगे। हाय गाइस, सो अभी जस्ट सो के उठे और अभी बज रहे हैं 6 और मैं और मेरी बहन तो इतना थक गए थे, इतना चल के जाना पड़ा अभी, उसके बाद इतना थक गए थे कि सो गए बस। अभी उठ के आई गेस मैं मैगी बनाऊंगी बिकॉज बहुत भूख लग रही है और घर में पापा और एक अंकल आए हैं पापा के साथ, तो उनके लिए भी कॉफ़ी और मैगी बनाना है। सो लेट्स सी मैं क्या बनाती हूँ, आई विल जस्ट लेट यू नो। हाय गाइस, तो मेरा मैगी बनाना हो चुका है और अब मैं अपनी मैगी को इंजॉय करूँगी, शायद थोड़ा नेटफ्लिक्स या यूट्यूब देखूँ। दिस इज़ द मैगी। हाय गाइस, सो आई एम डन विथ ईटिंग और अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ।
मतलब आई रियली डोंट नो क्या करूँ. और वन मोर थिंग, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों को भी बाल कट करवाने के बाद बार बार बाल टच करने का दिल करता है, और इज़ इट जस्ट मी ओनली? बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसा कोई होगा जिसको नहीं मन कर. इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, यू जस्ट, इट्स जस्ट. ऑल्सो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं एग्जैक्टली क्या करूँ. मतलब दिस इज़ इंजीनियरिंग लाइफ. आई मीन आप सब जो भी इंजीनियर्स मुझे देख रहे हो, इवन इफ़ यू आर फ्रॉम एनी अदर कॉलेज, डजेंट मैटर, इंजीनियर्स सारे ऐसे ही होते हैं. हमें लिटरली लास्ट मोमेंट तक समझ नहीं आता कि हम क्या करें, एंड वी एंड अप प्रोकेस्टिनेटिंग. सो दैट इज़ वॉट हैपनिंग टू मी. अभी आज सैटरडे है, कल संडे है, होली है. ये भी नहीं पता कि कल संडे को होली है या मंडे को होली है. मंडे को अगर होली नहीं हुई और अगर ऑफ नहीं हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो एक वाइवा या कुछ था वो हो सकता है. सो स्केड, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे. हाय गाइस, कल रात को हम सो गए थे तो बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाए. बिकॉज ऐसा होता है कि आप अगर रेगुलर कोई काम करते हो तो वो चीज़ आपको याद रहती है, बट व्लॉग तो मैं नया नया कर रही हूँ इसलिए कुछ याद ही नहीं था. बट आई विल मेक श्योर कि आगे से दिस डज नॉट हैपन. तो अभी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, तो देखते हैं क्या बनाते हैं. यूजुअली मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड और बनाना ही खाती हूँ, और वही बनाऊंगी. बट कच्चा ब्रेड तो खा ही सकते, तो वो काम सेकने वाला तो करना ही पड़ेगा. चलिए वो करते हैं. ब्रेड लिया, अब इसको बनाएंगे. अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए. अभी हम छत पे जा रहे हैं. लेट्स सी क्या कैसा रहता है मौसम. गर्मियों में तो वैसे छत पे जाने का दिल नहीं होता, लेकिन फिर भी अभी थोड़े सा मौसम अच्छा है आज, तो देख लेते हैं कैसा. छत, और ये है छत नहीं होता, छत 19th फ्लोर पे. ओ छत है ये. हम दो साइड है, उस तरफ एक इस तरफ. तो आइए इस तरफ. ये वाला साइड वो है ना दीद, बंद, मतलब धूप नहीं है इस साइड में. Yes, guys. कोई काम से डांस नहीं होता. थोड़ा चिल करेंगे बैठ के, देखते हैं क्या करेंगे. फिर से नीचे चले जाएंगे क्योंकि पढ़ना तो हमें है नहीं. पढ़ते हैं नहीं हम. आज होलिका दहन है, आज होलिका दहन है. कल मैं आप लोगों के से कह रही थी ना, मुझे पता नहीं है, पर आज मुझे पता है कि आज होलिका दहन है और कल होली है. ओके गाइस, तो मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ. आई होप आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, हैप्पी होली एंड बाय. हैप्पी होली.